वायरस महामारी से इन दिनों भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं। देश में कोरोना के 19 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं, जबकि 39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 52,509 मामले सामने आ गए हैं और 857 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते से रोजाना कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब 5,86,244 एक्टिव केसेस हैं, साथ ही 12,82,216 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट 67.19% और मृत्यु दर 2.09% हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,57,956 मामले सामने आए हैं। यहां 1,42,151 एक्टिव केसेस हैं, वहीं 2,99,356 मरीज ठीक हो गए हैं और 16,142 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में 1,39,156 मामले सामने आ गए हैं, इनमें से 9,897 एक्टिव केसेस हैं। 1,25,226 मरीज ठीक हो गए हैं और 4,033 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कुल 1,310 मामले सामने आ गए हैं, 41,222 एक्टिव केसेस हैं, 57,271 मरीज ठीक हो गए हैं और 1,817 लोगों की मौत हो गई है। बहरहाल सातवीं बार केवल 2 दिन में ही 1,00,000 नए मरीज बढ़ गए हैं। उधर राहत की बात है कि संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है।